ठीक है, मेरे पास दो टीम है, एक इंडिया है एक पाकिस्तान है, ठीक है। अब हम इसमें कंपेयर करा रहे हैं कि 10 ओवर में, जब 10 ओवर का खेल हुआ, क्रिकेट का गेम हुआ, 10 ओवर का खेल हुआ, तो इंडिया ने बनाया 90, ठीक है, पाकिस्तान ने बनाया 100, 105 रन। तो 10 ओवर में कौन आगे हुआ? पाकिस्तान आगे हुआ। जब 20 ओवर का खेल हुआ तो इंडिया ने बनाया 167, पाकिस्तान ने बनाया 189। 20 ओवर में भी पाकिस्तान आ गया। 30 ओवर का जब गेम हुआ तो इंडिया ने बना दिए 201 रन, पाकिस्तान ने बनाया 191। यहां पे पीछे हो गया। 40 ओवर का जब गेम हुआ तो इंडिया ने बना दिए 244, पाकिस्तान ने बना दिए 267, ठीक है। उसके बाद जो 50 ओवर का गेम हुआ, इंडिया ने बना दिए 344, पाकिस्तान रह गया 340, ठीक है। ये कंपैरिजन हुआ, कहीं अप कहीं डाउन, कहीं अप कहीं डाउन, ओके। तो कुछ इसी तरह का काम हम शो कराएंगे कंपैरिजन। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का बात ना करें, हम यहाँ कंपनी की बात कर ले, मान लो कि हमारे पास एक 4 कंपनियां, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, और हम पिछले 5 साल में देखना चाहते हैं कि कौन कंपनी का कितना प्रोग्रेस रहा। तो मान लो कि 2015 यहाँ पे कंपनी का नाम हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान की जगह, एयरटेल इंडिया, आइडिया और जियो और वोडाफोन। यहाँ पे साल हो जाएगा और यहाँ पे उसके कस्टमर हो जाएंगे, इसके इतने कस्टमर, इसके इतने कस्टमर, समझ रहे हो मेरी बात? तो उस तरह से भी हम शो करा सकते हैं। बहरहाल एक एग्जांपल लेके चलते हैं लाइन चार्ट की तरफ। अभी तो आप लोग को कौन सा चार्ट समझ में आया? कॉलम चार्ट। लाइन चार्ट में आते हैं, इसके लिए हम लोग जाएंगे फिर से वहीं चार्ट में, और ये रहा लाइन चार्ट, ठीक है। हम यहाँ पे ओके करते हैं। फिर से भाई कहानी आ गई, एक नया प्रोग्राम ओपन हो गया। अब इसमें करना ये है, इसी चीज को कॉपी पेस्ट हम कर देंगे वहां पे, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत तो नहीं है ना, सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। उसके बाद यहां से कॉपी करना है हम लोग को, कंट्रोल सी, और यहाँ से, ठीक है। और आपको बताया हमने एक बात कि ये ब्लू वाली बाउंड्री है जो भी, वो उसको उतना ही डेटा हमारा शो होगा। अब ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गया, हमने उल्टा कर दिया ये काम। हमको ऐसा नहीं करना था, हमको कैसे करना था, ऐसे में लेना था। एक काम करते हैं, इसको पूरे को डिलीट कर दें। यहाँ पे आएगा, दस ओवर, टीम हो जाएगा इंडिया। ये डेटा डाल देते हैं, यहाँ है 90 और यहाँ है 105। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 167 और 179201191।
2 4 4 2 6 7 उसके बाद 3 4 4 और 3 4 0 ओके हमने एक डेमो लिया है, अब हम इसको कम करा देते हैं कि हमको जितना जरूरत है उतना ही लें, यहाँ तक ठीक है और यहाँ से यहाँ तक एक और छोड़ दिया, हो गया क्लोज कर देते हैं। डेटा सही से हो रहा है हमारा, ठीक है ना, जब काम हो जाए तो इसको क्लोज कर देना, ठीक है वो क्लोज हो गया। अब आप देखिए कि ये आपका बन गया, अब ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इंडिया की है और ये पाकिस्तान की। 10 ओवर में पाकिस्तान आगे, 20 ओवर में पाकिस्तान आगे, 30वें ओवर में वो नीचे, 40वें ओवर में आगे, लेकिन 50वें ओवर में नीचे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अब हम अब चाहे तो इसके स्टाइल को चेंज करा सकते हैं, डिजाइनिंग को चेंज करा सकते हैं। ये तो है ही, ये बैकग्राउंड फील होगा, नहीं चाहिए, लेआउट में ही है, सॉरी डिजाइन में ही है। यहाँ पे जो डिजाइन मिल रहा है आपको उसी को यूज करना है, ज्यादा तो आप यूज नहीं कर सकते, पर जो हमारा सही है वही डिजाइन सही है ब्लू और रेड लाइन में। अब इसमें यह करना है कि हमको शो करा देना है कि कितने रन है, तो इसके लिए आपको क्विक लेआउट में 5वें नंबर का लेआउट। तो आप देखिए जब क्रिकेट का मैच देखते होगे तो आप देखते होगे कि इस तरह का ग्राफ बनता है, देखियो या नहीं देखियो। तो यह था लाइन चार्ट, ठीक है समझ में आया आपको लाइन चार्ट, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये लाइन चार्ट क्लियर हो गया। अभी इसमें चार्ट में और भी चीजें हैं पर वो आगे होंगी, पाई है और बार है, मोस्टली हम लोग ये चार यूज करेंगे। स्टॉक देखते हैं, स्टॉक क्या है, अच्छा इसकी जरूरत नहीं आपको। तो ये दो जो चीजें है ना, पाई और बार, ये आपको एक्सेल में बताया जाएगा। फिलहाल आपको दो तरह का चार्ट आपको क्लियर हो गया, नहीं हो गया, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट।